वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसमें आपको कोई भी किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन आ जाए। तो जो उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमने क्या करा, सबलाइन ओपन किया है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पर आपको कोडिंग में हेल्प मिलती है करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने एचटीएमएल ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक यूएल क्रिएट करेंगे जिससे क्या हो, एक लिस्ट बन जाए। और उसको हम फिर उसके अंदर हम एलआई लेंगे लिस्ट बनाने के लिए, या ऑर्डर लिस्ट। और एक लिस्ट लिया हमने। अब लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक एंकर टैग बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको कोई पेज आप क्रिएट करोगे तो आप उस पर रीडायरेक्ट कर सकते हो। अगर वो होम पेज है तो होम पे क्लिक करने पर होम पेज पर आ जाए, अबाउट पेज है तो अबाउट पेज पर चले जाए। तो हम उसके लिए एंकर टैग ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एलआई को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं। ये हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ये कोड, इतना पार्ट। तो हम यहाँ पे इसको तीन चार बार पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर क्या नाम चेंज कर देंगे, जैसे होम, अबाउट, ब्लॉग। यहाँ पर मैं ब्लॉग दे देता हूँ, नीचे कॉन्टैक्ट अस दे दो। ऐसे आप चार पांच पेज क्रिएट कर सकते हो जितना चाहो। अब हम क्या करते हैं, अब स्टाइल क्रिएट करते हैं। सीएसएस, इंटरनल सीएसएस में यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो मैंने यहाँ पे टैग नहीं दिया। स्क्रिप्ट स्टाइल देना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल लिख लेता हूँ टैग्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पर इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरा मेन्यू बार ऐसे आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लेंगे हम स्टाइल, बॉडी। बॉडी के अंदर हम देंगे बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज, जो भी आप देना चाहो। मैं यहाँ पे एक यूआरएल ले लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है एक इमेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र पर। और इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस लिंक को, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी बैकग्राउंड पे एक इमेज आ जाएगी। डिस्कॉर्ड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जितनी बार हम पेस्ट करेंगे, जितने बार आपको उसके बाद बार बार दिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्टेक्ट को रिमूव करके यहाँ पे देता हूँ न्यूज़। और यहाँ पे इसके बाद नीचे भी मैं रिमूव करके ऐसे मैं सबके नेम चेंजेस कर देता हूँ। लिंक आप, मैं इसे हैश टैग रखा हुआ है जिससे आप बाद में अपना लिंक डाल सकते हो। मेरा भी कोई लिंक नहीं बनाया हुआ मल्टीपल पेजेस, तो आप वो डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना दिया मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक और सर्विसेज। ये मेरे काफ़ी सारे पेजेस रेडी हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे टैग रह गया क्लोज करना, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो ये काफ़ी सारे पेजेस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सर्विस के अंदर एक कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देते हैं। उसके अंदर हम कुछ सर्विसेज पेज दे देंगे। तो मैं यहाँ से एक यूआरएल देता हूँ, और यहाँ पे मैं एलआई लेके इसके अंदर सर्विस वन, और फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सर्विस टू के नाम से। ये मैंने दो सर्विसेज के अंदर बना दिए सर्विस के अंदर, कि जिसे देखने में ऐसे लगे ड्रॉप डाउन आए पूरा। तो मैं इसको भी यहाँ पे स्पेस देता हूँ, तो ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से, ये बन चुका है सर्विसेज। अब हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं एलआई के अंदर ड्रॉप डाउन। ये हमने क्लास दे दी। अब हम डिफ को भी दे, यहाँ से काम करते हैं, यूएल की जगह डिफ कर देते हैं। यूएल हटा देते हैं क्योंकि हम यूएल ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ से यूएल हटा के डिफ को क्लास देते हैं ड्रॉप डाउन कंटेंट, और नीचे से भी यूएल को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देते हैं डिफ, और नीचे एल आई क्लोज हो रहा है। तो बस इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम दे देते हैं एल आई को भी, यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम एल आई यूज़ कर रहे हैं। एल आई के अंदर ए दे दिया हमने, तो हम यहाँ से ए को भी हटा, एल आई को भी हटा देते हैं क्योंकि फिर रिकॉर्ड लिस्ट बन जाएगी। तो हम यहाँ से सिंपल रखते हैं जितना ईजी हो सके। तो हमने यहाँ से ये दिया हैश टैग, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ए आर एफ के अंदर क्लास बनाते हैं। क्लास को देते हैं हम ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप बटन।
ड्रॉप बटन, ये हमने क्लास बना दी। अब हम इसके बाद करेंगे यहाँ पे एंकर टैग की जगह एक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट इसके अंदर हम डालेंगे वाइड ब्रैकेट्स के अंदर 0 और इसको हम कर देते हैं सेव। ये हमने स्क्रिप्ट यूज़ करी है जिससे कि ये ड्रॉप डाउन के लिए, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब जो हम चलते हैं CSS पार्ट पे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने CSS में से बॉडी में एक इमेज यूज़ करी जो मैंने आपको दिखाई थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं li पहले हम करते हैं ul, फिर लेंगे हम li। ठीक है, ul के अंदर चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं लिस्ट चाइल्ड टाइप नन, क्योंकि क्या लिस्ट ना है जो ड्रॉप डॉट्स आती है वो ना है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं मार्जिन 0px कि मतलब जो पैडिंग भी हम 0 दे रहे हैं कि यूएल को जो भी हम जो लिस्ट बनाई है वो साइड से और टॉप से स्पेस ना ले। यहाँ से देते हैं ओवरफ्लो हिडन, यहाँ से बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक #333, ये ब्लैक कलर कोड है तो मैंने यहाँ से वो दिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये पूरा आ चुका है तो ये लिस्ट आ रही है लाइन बाय लाइन, तो हम यहाँ से लेंगे li, क्योंकि हमें li को भी करना पड़ेगा स्टाइल। यहाँ से देंगे हम फ्लोट लेफ्ट, जिससे क्या हो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, वन बाय वन आता है तो हमने फ्लोट लेफ्ट दिया। तो ये देख सकते हैं कि अब उसके साथ आ रहा है, बट हमें क्या करना है, बीच में गैप देना होगा। तो हम यहाँ से लेंगे li, li के अंदर a, और इसके अंदर हम देंगे ड्रॉप डाउन जो हमने यहाँ पे लिया है क्लास ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप बटन। इसके अंदर हम कलर देंगे वाइट, क्योंकि जो हमने ड्रॉप डाउन बटन बनाया उसके अंदर के जो हमने टेक्स्ट लिया है जो ड्रॉप डाउन में आए उसका कलर हो जाए वाइट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट कहाँ है सेंटर में, और डिस्प्ले देते हैं हम इनलाइन ब्लॉक। यहाँ से हम इसको सेव करके हम चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको भी टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, जिससे क्या हो अंडरलाइन ना आए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो चुकी है। अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ देखेंगे पैडिंग 14px एंड 10px, जिससे क्या होगा कि पैडिंग जो होगी टॉप से और लेफ्ट से दोनों तरफ से पैडिंग आ जाएगी। तो ये अब ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो ये अपने हिसाब से स्पेस भी ले रहा है। अब यहाँ से हम चलते हैं li, li के बाद हम लेंगे डॉट ड्रॉप डाउन, ब्रैकेट्स में लेंगे हम कर्ली ब्रेसेस में डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। अब ये क्या होगा, जो सर्विसेज आ रही है सर्विस के नीचे वन सर्विस वन सर्विस टू उसको हाइड कर दे, तो हम उसके लिए ले रहे हैं। तो हम यहाँ से लेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट, उसके अंदर हम लेंगे कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर देंगे हम डिस्प्ले इन लाइन डिस्प्ले नन, जिससे क्या हो डिस्प्ले नन हो जाए। अब इसके नीचे हम नहीं आ रहा सर्विसेज, वो हाइड हो चुका है। अब वो क्या होगा कि जो सर्विस पे हम क्लिक करेंगे तब भी आए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, किसके ऊपर ही आएगा वरना नहीं अंदर हाइड ना हो जाए, तो उसने इसलिए पोजीशन एब्सोल्यूट ली है। बैकग्राउंड करा देते हैं उसके पीछे का ब्लैक, बैकग्राउंड करा देते हैं हम वाइट, जिससे क्या होगा कि जब हम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर है वाइट। यहाँ से हम ले लेते हैं ड्रॉप डाउन कंटेंट, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर दी जाती है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
जिससे क्या होगा टेक्स्ट में जो डेकोरेशन आ रही है अंडरलाइन वो ना आए, हमने उसके लिए लिया है। और हम लेते टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, और लेते हम एल आई ए होवर। होवर करने पे कलर रेड आए जो बैकग्राउंड कलर है, तो हम उसके लिए हम होवर ले लेते हैं। यहाँ से लेते हैं ड्रॉप बटन, ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप डाउन होवर। हम दोनों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, एंकर टैग को और ड्रॉप डाउन को। और यहाँ से लेते हैं हम ड्रॉप डाउन BTN, कलर देते हैं हम यहाँ से रेड। और यहाँ से हम इसको सेव करके चेक करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, वरना टेक्स्ट कलर रेड हुआ था, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया रेड, तो ये भी नहीं ले रहा है, तो हमने कहीं पे कुछ गलती करी होगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई। यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप बटन, अब हम चेक करते रिफ्रेश करके, क्योंकि हमने गलती से ड्रॉप डाउन बटन लिख दिया था, अभी भी नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया तो इसलिए ये एरर कर रहा था। अब हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा बटन है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और टेक्स्ट वाइट ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं, अब लेते हैं हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंटेंट, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम देंगे, यहाँ पे लेते हैं हम ए होवर, जो क्या हो कि मतलब जो हमारा बैकग्राउंड कलर है हम इसका देंगे वाइट, क्योंकि क्या होगा जो हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें जो उसके नीचे का बैकग्राउंड कलर है वो वाइट आए पीछे का। अभी नहीं आ रही है सर्विस पे क्लिक करने पर, हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ हम लिखेंगे डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट कंटेंट के अंदर हम लेंगे यहाँ पे आपका होवर, ड्रॉप डाउन होवर, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन के अंदर भी एक होवर देंगे जो कलर चेंजेस करेगा जब हम उस पर जाएंगे। ड्रॉप डाउन कंटेंट, यहाँ पे देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, जब उस पर जाएँ तो ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। आप देख सकते हैं कि अब नीचे आप ड्रॉप डाउन आ रहा है बट कलर नहीं आ रहा है, टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे देंगे कलर ब्लैक। ड्रॉप डाउन के अंदर जो करने पे कलर ब्लैक है, तो ये हमने जाएंगे तो यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, तो हमारा मतलब जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू था वो कंप्लीट हो गया। ऐसे आप कितने मर्जी ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।